बॉस के बिना और मुनव्वर फारूकी को देर रात पुलिस ने लिया हिरासत में। अवैध हुक्का बार पार्लर में जाना पड़ा भारी। जेल से बाहर आकर मुनव्वर फारूकी ने किया पोस्ट। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आगे बढ़ते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरों के साथ। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी के नाम एक और नया विवाद जुड़ गया है। मुनव्वर को बीती रात मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल बीती रात मुंबई के SS ब्रांच यानी कि सोशल सर्विस ब्रांच ने एक हुक्का बार में रेड मारी, जहां से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 14 लोगों में ही मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी शामिल है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोटप्पा के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि मुनव्वर फारूकी जेल से बाहर आ गए। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस को एक टिप मिलने पर हुक्का बार में छापामार कार्यवाही की गई है। पुलिस ने दावा किया है कि वहां पर हुक्के के नाम पर तंबाकू के इस्तेमाल होने की जानकारी मिली थी। हर्बल हुक्के की आड़ में तंबाकू का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा था और इसी वजह से वहां पर छापामार कार्यवाही की गई। यहां पर पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस ने मुनव्वर फारूकी को 41A का नोटिस देकर छोड़ दिया है। इस दौरान मुनव्वर से कुछ समय तक पूछताछ भी हुई थी। मुनव्वर फारूकी ने बाहर आकर मुंबई एयरपोर्ट से अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिससे फैंस को राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस को एक टिप मिलने पर हुक्काबार में ये छापामार कार्यवाही की गई थी। पुलिस ने दावा किया है कि वहां पर हुक्के के नाम पर तंबाकू के इस्तेमाल होने की जानकारी मिली थी। हर बार हुक्के की आड़ में तंबाकू का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा था, इसी वजह से वहां पर छापामार कार्यवाही की गई। यहां पर पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज कर लिया गया है। खैर, आपको इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए बने रहिए बॉलीवुड समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।